दीपिका रणवीर ने स्टॉप की 3 महीने की छुट्टियां की रद्द, जल्दी जल्दी निपटा रहे काम। सोनम कपूर की शादी के बाद अब बॉलीवुड में दीपिका पादुकोण और रणवीर सिंह की शादी पर कयास लग रहे हैं। दोनों पिछले 5 साल से एक दूसरे को डेट कर रहे हैं। अब खबर आई है कि दीपिका और रणवीर दोनों ने ही अपने स्टॉप की 3 महीने अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर की छुट्टी कैंसिल कर दी है। इसके साथ ही रणवीर सिंह भी अपनी अपकमिंग मूवी सिम्बा की शूटिंग को जल्द से जल्द खत्म करने की कोशिश में लगे हैं। हालांकि अभी तक शादी की डेट पर फैमिली ने कुछ नहीं कहा है। डैश सोर्सेज के मुताबिक रणवीर सिंह ने फिल्म सिम्बा के डायरेक्टर रोहित शेट्टी से कहा है कि वो जल्द से जल्द फिल्म की शूटिंग पूरी कर लें। रणवीर चाहते हैं कि फिल्म की शूटिंग जून से शुरू हो तो एक ही शेड्यूल में खत्म हो जाए। दरअसल रणवीर सिंह हर हालत में अक्टूबर और नवंबर में पूरी तरह फ्री रहना चाहते हैं। इसकी वजह दीपिका के साथ रणवीर की शादी को माना जा रहा है। रणवीर दीपिका नहीं ले रहे कोई नया असाइनमेंट। सोर्सेज के मुताबिक रणवीर सिंह नवंबर और दिसंबर महीने के लिए कोई नया असाइनमेंट भी नहीं ले रहे हैं। वहीं दूसरी ओर दीपिका पादुकोण ने भी पद्मावत के बाद से अब तक कोई नई फिल्म साइन नहीं की है। हालांकि पद्मावत के बाद दीपिका ने विशाल भारद्वाज के डायरेक्शन में बन रही गैंगस्टर ड्रामा मूवी साइन की थी, लेकिन को स्टार इरफान खान की तबीयत बिगड़ने की वजह से इसकी शूटिंग शुरू नहीं हो पाई है। ऐसे में माना जा रहा है कि दीपिका भी अक्टूबर से दिसंबर के बीच डेट्स फ्री रखना चाहती हैं। हालांकि ऐसा भी कहा जा रहा है कि दीपिका को नेक और बैक पेन है, जिसके चलते उन्होंने कोई नया प्रोजेक्ट नहीं लिया है। फैमिली को भी इस शादी का इंतजार। इसी महीने रणवीर की कजिन सिस्टर सोनम कपूर से जब पूछा गया कि रणवीर और दीपिका की शादी कब होने वाली है, तो उन्होंने कहा कि पूरी फैमिली को इस शादी का बेसब्री से इंतजार है। मतलब इतना तो साफ है कि शादी होगी, बस सवाल ये है कि कब। एक इंटरव्यू में जब रणवीर से दीपिका से रिलेशनशिप को लेकर सवाल पूछा गया था, तो उन्होंने जवाब दिया था कि बाजीराव मस्तानी, रामलीला और पद्मावत की कोस्टार ने उन्हें एक बेहतर इंसान बनने में मदद की है और उन्हें खुशी होगी कि वो उनकी लाइफ का हिस्सा बने। रणवीर की फैमिली के साथ शॉपिंग भी कर चुकी दीपिका। अप्रैल में एक पॉपुलर वेबसाइट में छपी खबर के मुताबिक दीपिका ने शादी की तैयारियां भी शुरू कर दी हैं। दीपिका से जुड़े एक करीबी सोर्स के मुताबिक वो अभी से खुद को एक अच्छी बहू साबित करना चाहती हैं। यही वजह है कि वो रणवीर की फैमिली के साथ शॉपिंग में जुट गई हैं। दीपिका ने रणवीर की माँ और बहन के साथ कुछ डिजाइनर्स को शॉर्टलिस्ट किया है। शादी और दूसरे फंक्शन में वो इन्हीं डिजाइनर के आउटफिट में नजर आएंगी। इतना ही नहीं, दीपिका होने वाली सास और ननद के साथ ज्वेलरी भी सिलेक्ट कर रही हैं। ढेर सारे बच्चे चाहती हूँ। दीपिका पादुकोण ने भी एक इंटरव्यू में कहा था कि वे शादी के बाद एक टिंग छोड़ देंगी और अपनी फैमिली लाइफ में बिजी हो जाएंगी। दीपिका ने इंटरव्यू में ये भी बताया था कि वो बहुत से बच्चे चाहती हैं। उन्होंने कहा था, मुझे नहीं पता ये कब होने वाला है।